मिली भगत हो गया, ये मिली भगत ही समझा जाए और इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। और हम लोग जो है कल इसके इसी के लिए हम लोग बार बोलते हैं कि हम पैसा लाने गए थे, पैसा पटना में या कहीं रखा हुआ, ये बोरा से लाने जाता है। अध्यक्ष का आप कुछ बनने का कोशिश मत करिए, उपाध्यक्ष बनने की कोशिश मत करिए, आप अध्यक्ष हैं तो आप अध्यक्ष की हैसियत पर रहिए। और रही बात कि हमारा भी उतना अधिकार है, नगर परिषद हमारा भी क्षेत्र है और हमारा भी निर्णय लेने का हक है, तो हमारे अधिकार पे आप जो हस्तक्षेप नहीं। पुलिस प्रशासन चुप्पी क्यों साधी हुई है? अब तो ये पुलिस प्रशासन ही बताएंगे कि चुप्पी क्यों साधी हुई है, जबकि 18 को उन पे सादा लेटर पेट का भी मांग किया गया कि उन पे हम लोग से सादा लेटर पेट पे सभी वार्ड पार्षद का सिग्नेचर ले गया, जो थाना में दिया गया, अभी तक उन पे कुछ कार्रवाई भी नहीं है। कि जो है ना चेयरमैन साहब की इस पे कोई आवाज़ उठाए? इन पे उनका कोई आवाज़ उठेगा ही नहीं, उनको सिर्फ लग रहा है कि हम लोग जो हैं वहाँ पे इनका काम को बाधित कर रहे हैं। कहाँ पे काम को बाधित कर रहे हैं अब बताइए? एक तरफ कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष हैं, सर्वो सर्वा हम ही, या दूसरी तरफ कह रहे हैं ये लोग हमको काम नहीं करने देते। तो लगा रहा है सारा सारे वो झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहा है कि वर्ष 2023 और 24 का जो है हम लोग को वित्त वर्ष दिखाया जाए, किस मद में क्या खर्च किए ये बार बार बोल रहे हैं, किस मद में क्या खर्च कर रहे हैं, तो ये बात वो नहीं बोल के वो विकास कार्य को रोकने का हम लोग पे आरोप लगा। को कार्रवाई भी आप पे करना होगा तो हम भी आप पे जो है निश्चित तौर पे एकदम करें। महिलाओं को सम्मान किया जाता है और दूसरी तरफ यहाँ 3 महिलाओं को और 3 पुरुष को जो है निलंबित कर दिया गया है और उनको कहा जा रहा है कि जाके ये हमसे माफ़ी मांगे। लिखित आप कहना है कि जो है मीटिंग भंग करने का प्रयास किया और काम में बाधा डालने का प्रयास किया। मीटिंग वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, नगर परिषद में कैमरा लगा हुआ है, हम लोग लीगल तरीके से मांग किए हैं कि खड़गपुर नगर परिषद में क्या क्या काम हुआ है उसका उजागर करिए, नहीं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है, SDO साहब से, DSP साहब से कि वहां का उस दिन का रिकॉर्डिंग देख ले जाए। कचरा का अंबार लगा हुआ है, ना कहीं ब्लीचिंग छिटाता है, कल ब्लीचिंग की जगह चूना छिटा हुआ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। यहां पे जो है छोटा छोटा बच्चा बच्चियां सुलेशन पीते हैं और जो है दारू का अड्डा है और शराबी का नशेड़ी का जो है कारखाना बन गया, क्या कहना? पूर्ण रूपे इस पे जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग हर तरह से लिख के देते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं कहीं यहाँ ब्रश मिली भगत है जो नशेड़ी सम्मान पदार्थ यहाँ पे। हवेली खड़गपुर में, हवेली खड़गपुर के अंबेडकर चौक के पास, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं वाइस चेयरमैन, और इनका आरोप है कि जो है चेयरमैन के द्वारा घपला किया गया, लाखों की संपत्ति को सही तरीका से जो है नहीं किया गया और जो उस पैसा का दुरुपयोग किया गया है और इसका जांच होना चाहिए, इनका कहना है। लेकिन सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उनका कहना है, मुख्य पार्षद का कहना है कि जो है इन लोगों ने मीटिंग को भंग करने का प्रयास किया, इसलिए हम 6 वार्ड पार्षद को निलंबित कर दिए हैं। और हम इन्हीं से डायरेक्ट जानना चाहेंगे कि इनका क्या कहना है, आपका क्या कहना है सर? सारा सर आप पे आरोप लगा रहा है, सारा सारे वो झूठ बोल रहे हैं और गलत बोल रहे हैं, इसलिए कि सभा में जब चल रहा था, बात चल रहा था, तो वहाँ पे मुद्दा था कि वर्ष 2023 और 24 का जो है हम लोग को वित्त वर्ष दिखाया जाए, किस मद में क्या खर्च किए ये बार बार बोल रहे हैं, किस मद में क्या खर्च कर रहे हैं, तो ये बात वो नहीं बोल के वो विकास कार्य को रोकने का हम लोग पे आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं वो कि हम ही अध्यक्ष हैं, सर्वो सर्वा हम ही हैं, तो हम भी कहते हैं कि हाँ आप अध्यक्ष हैं, लेकिन सर्वो सर्वा आप हैं तो आप अपने पद के लिए हैं, उपाध्यक्ष का आप कुछ बनने का कोशिश मत करिए, उपाध्यक्ष बनने की कोशिश मत करिए, आप अध्यक्ष हैं तो आप अध्यक्ष की हैसियत पर रहिए। और रही बात कि हमारा भी उतना अधिकार है, नगर परिषद हमारा भी क्षेत्र है और हमारा भी निर्णय लेने का हक है, तो हमारे अधिकार पर आप जो हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए हमको कार्रवाई भी आप पे करना होगा, तो हम भी आप पे जो है निश्चित तौर पे एकदम करेंगे। और रही बात कि जब हम इन लोग पिछले भी मांग में हमने कहा था कि जाके वित्तीय वर्ष हम लोगों को दिया जाए, दिखाया जाए, लेकिन अब तक दिखाया नहीं गया है। एक तरफ आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च है, एक तरफ महिलाओं को सम्मान किया जाता है और दूसरी तरफ यहाँ 3 महिलाओं को और 3 पुरुष को जो है निलंबित कर दिया गया है और उनको कहा जा रहा है कि जाके ये हमसे माफ़ी मांगे लिखित रूप से कि आइंदा ऐसा काम नहीं करेंगे, मतलब वो डराने का प्रयास कर रहे हैं उनका। लेकिन साफ कहना है कि जो है मीटिंग भंग करने का प्रयास किया और काम में बाधा डालने का प्रयास किया। तो मीटिंग वहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, नगर परिषद में कैमरा लगा हुआ है, हम लोग लीगल तरीके से मांग किए हैं कि खड़गपुर नगर परिषद में क्या क्या काम हुआ है उसका उजागर करिए, नहीं तो पुलिस प्रशासन से निवेदन है, SDO साहब से, DSP साहब से कि वहां का उस दिन का रिकॉर्डिंग देख ले जाके। अच्छा तो पुलिस प्रशासन चुप्पी क्यों साधी हुई है? अब तो ये पुलिस प्रशासन ही बताएंगे कि चुप्पी क्यों साधी हुई है, जबकि 18 को उन पे सादा लेटर पेट का भी मांग किया गया कि उन पे हम लोग से सादा लेटर पेट पे सभी वार्ड पार्षद का सिग्नेचर ले गया, जो थाना में दिया गया, अभी तक उन पे कुछ कार्रवाई भी नहीं हुआ। क्या लगता है मिली भगत हो गया? ये मिली भगत ही समझा जाए और इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है। और हम लोग जो है कल इसी के लिए हम लोग अनशन करने जा रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं सभी वार्ड पार्षद। तो नगर परिषद में कचरा का अंबार भरा हुआ, आपका जो बगल का बस स्टैंड आप देखते हैं, अभी आप नगर परिषद के बस स्टैंड चल जाइए, कच्ची मोड़ चल जाइए, आपको जोन वार्ड घूमने का मन है
या तो कार्यपालक चले महोदय, या फिर जाके चेयरमैन चले मेरे साथ, या अनुमंडल प्रशासन का कोई भी लोग चले, जोन वार्ड में अगर किसी भी वार्ड में स्वच्छता दिख गया तो जो बोलेंगे हम गलत ठहरा जाएंगे। इसलिए कि अभी कचरा का अंबार लगा हुआ है, ना कहीं ब्लीचिंग छिटाता है, कल ब्लीचिंग की जगह चूना छिटा हुआ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग है आपके पास, कल चूना छूट रहा था, पूछे तो भैया यहाँ पे उनसे पूछे सफाई कर्मी से चूना क्यों छिट रहे हैं, तो बोला कि भैया ब्लीचिंग है ही नहीं, जो दे रहा हम वो छिट रहे हैं। सही बात, उनको जो मिलता है वो छिटता है। एक बात मेरा ही कहना है दीपक भैया कि जो बस स्टैंड है इसमें तो गाड़ी लगना चाहिए, इसमें गाड़ी लगनी चाहिए। आप देखिए सारे रोड पे गाड़ी लगे हुए रहते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो है छोटा छोटा बच्चा बच्चियाँ सुलेशन पीते हैं, और जो है दारू का अड्डा है, और शराबी का नशेड़ी का जो है कारखाना बन गया, क्या कहना? पूर्ण रूपेण इस पे जो है कहीं ना कहीं जो है हम लोग हर तरह से लिख के देते हैं, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं यहाँ ब्रश मिली भगत है, जो नशेड़ी सम्मान पदार्थ यहाँ पे बिकता है और बेचवाता है, लोग यहाँ पे संलिप्त हैं पूर्ण रूप से। यहाँ पे आज तक तो हम नहीं देखे हैं कि जो है ना चेयरमैन साहब की इस पे कोई आवाज़ उठाए हैं, इन पे उनका कोई आवाज़ उठेगा ही नहीं, उनको सिर्फ लग रहा है कि हम लोग जो हैं वहाँ पे इनका काम को बाधित कर रहे हैं। कहाँ पे काम को बाधित कर रहे हैं अब बताइए, एक तरफ कह रहे हैं कि हम अध्यक्ष हैं सर्वोसर्वा हम ही, या दूसरे तरफ कह रहे हैं ये लोग हमको काम नहीं करने देता है। अच्छा ये बार बार बोलते कि हम पैसा लाने गए थे, पैसा पटना में या कहीं रखा हुआ, ये बोरा से लाने जाता है, ये बोरा से पैसा लाने जाते हैं, बोर्स काम है ये नगर परिषद का पैसा लाना, अध्यक्ष का काम नहीं है पैसा लाना। अच्छा दूसरी बात है कि इन्होंने ढिंढोरा पीटा है कि हमने सम्राट अशोक भवन का जो है काम हो गया है, सगर कह रहा, आप जो है महोदय आप दिखाइए ना, आप जो है कहीं उनसे लिया गया है वो पेपर लिया गया है, CO साहब दिए हैं उनको, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि यहाँ का जो लेबर है हवेली खड़गपुर का जो लेबर है उस पे पैसा नहीं जा करके कुछ पैसा जो है अदर जिला में जा रहा है। एकदम ये जो है हमने पिछले जुलाई में जब चेक किया था तो उसमें लगभग जो है 100 लेबर ही यहाँ पे पाया गया, और 100 लेबर जम्मू जिला का पाया गया है, जिसके पास मेरे साक्ष्य सबूत सब कुछ है मेरे पास, हाँ सारा एकदम एक कॉपी बना के रखे हैं, और DM साहब आएंगे तो हम निश्चित उनको देंगे। कल से अनशन पे हम बैठ रहे हैं, अनशन पे बैठ रहे हैं। लास्ट आपका चांस था कि अभी तक सुन जाए, हम तो चाह रहे थे कि ये लोग हमको अगर लिखित सब कुछ दे दे तो ये अनशन तक बात नहीं जाएगी, लेकिन ये लिखित देने वाले हैं ना, उल्टे कहते हैं कि वार्ड पार्षद हमसे माफ़ी मांगे, ये संभव नहीं है, वो भी जीत के आए हैं, मान मर्यादा उनका भी है, खुद अपने सभा छोड़ के चले गए, वो रिकॉर्डिंग देखा जाए वहाँ पे, जो चोरी चमारी हो रहा है प्रशासन के द्वारा नगर परिषद के द्वारा वो बंद हो, एकदम बिल्कुल बंद हो। अभी देखिए बगल में चापाकल ये है, दिखाइए थोड़ा कैमरा, यहाँ पे अभी चल जाइए अंबेडकर चौक पे, सामने देखिए वहाँ पे एक चापाकल दिख रहा है, और लगभग ऐसे सैकड़ों चापाकल जो बंद है, और भीषण गर्मी आ रहा है, और पूरे दुकानदार एकदम दूर दूर से पानी लाते हैं, लेकिन ये चापाकल बंद पड़ा हुआ है, इस पे उनका दिमाग काम नहीं करता है। जब PhD विभाग के हम JEE को बुलाए तो वो कह रहे हैं कि हमसे बिना पूछे JEE को क्यों बुलाए, अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम पे वो कार्रवाई करेंगे, तो हम भी उनको देखेंगे वो कैसे कार्रवाई हमारे ऊपर करता है, यानी काम करवाने पे कार्रवाई, हाँ काम करवाएंगे हम तो कार्रवाई करें, हमको जो भी काम करेंगे हमको अध्यक्ष से पूछना होगा, ये संभव नहीं, हम अध्यक्ष से कभी पूछने नहीं जाएंगे, उसका हमको जरूरत भी नहीं है, अगर हमारा उसका जरूरत नहीं है तो हमको भी उसका जरूरत नहीं है। आपको डर नहीं लगता? हमको जी डर लगेगा, कौन सी डर लगेगा, वो भाग है खा जाएगा, उसके विरोध में जा रहे हैं, उनसे ज्यादा वोट लाए हैं, उनके विरोध में नहीं जा रहे हैं, उनके खराब नीति का विरोध कर रहे हैं, वो हमेशा उनको तो लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं, वो झूठ बोल रहा है ना, वो झूठ बोल रहा है, यदि 9 महीना से वो कहीं काम किया है तो हमको बता दे कि यहाँ पे मैंने 1 भी लेटर यहाँ पे गिराया, ये किया है काम के नाम पे। नगर परिषद क्षेत्र को अगर बर्बाद के स्तर पर देखा जाए तो 99% बर्बाद ही है, इसमें किसका ये जो है हमारे कार्यपालक महोदय का यहाँ पे है पूरा पूरी, और बोला जाए तो यहाँ अध्यक्ष महोदय का भी है, और हम लोग तत्पर खड़े हैं कि जाके यहाँ सफाई हो, वहाँ ये हो, सरकार में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, सरकार यहाँ पे पैसा पेमेंट कर रही है, लेकिन आप देखेंगे हम तो चाहते हैं कि सारे मीडिया, अगर वो भी समाज के लोग हैं उनका भी जिम्मेवारी बनता है कि आप जाएँ यहाँ नगर परिषद के लेबर की सूची को चेक करें, यहाँ कितने लेबर हैं उस सारा उनका बिल चेक करें, हम झूठ बोल रहे हैं तो उस सारा चेक करें और देखें कि फिर पर्दाफाश हो जाए तुरंत। 130 से 145 लेबर से आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, उसमें भी अब्सेंट मिलेगा, लेकिन बिल जो है यहाँ 38 लाख रुपया महीना होता है, जो ये सारी पैसा जो है ये हमारे क्षेत्र का पैसा है और जनता का पैसा है जो दुरुपयोग हो रहा है। यदि उस पैसे को रोक लें, फिर बोलते हैं यदि इस पैसे को रोक लिया जाए तो हर एक वार्ड में हर एक महीना दो रोड बनाएंगे। इसी मत में नहीं, और वैसे बहुत मत है, अभी जो नया ट्रॉली खरीदा गया है मेरे पास उनका बिल है, उसमें बिल नहीं लिखा हुआ कितना प्राइस का वो है, सिर्फ क्वांटिटी है क्वालिटी है, लेकिन उसमें रेट नहीं लिखा हुआ है।
रियल में देखा जाए कि नगर परिषद को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। हम लोग भी वीडियो बनाए हैं, लमसम 5 वार्ड जाकर के वीडियो बनाए हैं जिसमें कचरा का अंबार लगा हुआ है। और क्या बस स्टैंड में तो दारू की सिर्फ बोतल ही दिखती है, कचरा कम दिखता है। आप सोचिए कि नगर परिषद क्षेत्र में क्षेत्र को इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। जनता किस लिए चुनता है कि विकास हो, नगर परिषद क्षेत्र का विकास हो और जनता का भलाई हो और रोजगार मिले। यहाँ तो हवेली खड़गपुर के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा और जाकर के जमुई से लेबर को यहाँ काम कराने के बुलाया जा रहा है, क्योंकि काम बताइए, आप ही बताइए कि जमुई से लेबर यहाँ काम करने के लिए आता है। आप सोच सकते हैं सरकार की मिलीभगत कहिए या तो यहाँ की पुलिस की मिलीभगत कहिए या तो जो अधिकारी है उसकी मिलीभगत कहिए, सब मिल करके लूट कर रहे हैं और जो इन पर सवाल करते हैं उसको निलंबित कर दिया जाता है। लास्ट में क्या बोलना चाहिए, अगर वो अनशन का भी अनशन पे अगर बात नहीं माने तो क्या कीजिएगा? लास्ट में मानना होगा उनको, अनशन पे मानना होगा उनको, नहीं मानेंगे कैसे नहीं मानेंगे। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे हवेली खड़गपुर जनता को? बस यही कहेंगे कि आप हमारा साथ दीजिए, आपकी सच्चाई की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आपका नगरीय परिषद का पैसा लूटा जा रहा है, उसको रोका जाए। अगर उनको नहीं रोका गया तो ये पर्दा लगा के आएंगे, ऐसे हुलक के चले जाएंगे। इनको नगर परिषद हवेली खड़गपुर से कोई मतलब नहीं है, वो अपने सिर्फ अपने विकास के लिए वो काम कर रहे हैं, बल्कि बात ये समाज के विकास और नगर परिषद का विकास का कहीं दूर दूर तक सोचने वो ढिंडोरा जो पिट रहा है कि हम ये लाएंगे वो लाएंगे, ये कुछ लाने वाला नहीं है। अगर लाते वो तो सरकार के फंड से आता ना, सरकार के फंड से आता है वो अपना, ठीक है। चलिए आप अध्यक्ष हैं तो बता सकते कर सकते हैं कि जो भी आपके कार्यकाल में काम होगा आपका नाम होगा, हमारा नाम होगा, हमारे वार्ड पार्षद का नाम होगा, लेकिन वो अभी तक कोई काम नहीं किया है। अच्छा, एक बात बोलना चाहेंगे कि स्ट्रीट लाइट जो ऊपर में लगाता है कितना पैसा उसमें आया? इसमें अभी तो नहीं बता सकते हैं कितना पैसा आया है, लेकिन अंदाजा जो है 3200 यहाँ कहा जाता है कि पुराना 3200 लाइट लगा हुआ है, जो 3200 यहाँ लाइट नहीं है तो निरीक्षण कर लीजिएगा। तो वहाँ पे हम देखे वो नगर परिषद शुरू जहाँ से होता है वहाँ पे पूरा नहीं, अभी एक नंबर वार्ड में अभी नहीं लगा हुआ है, जबकि लिख के दिया गया लगभग 5 महीना पहले। हाँ, लगभग 5 महीना पहले सारा रोड साला नाला जो है लिख के दिया गया, लेकिन अब तक जो है ये यहाँ के कार्यपालक काम करना नहीं चाहते, साफ बात है। वो करेंगे भी नहीं, वो करें एकदम दोनों मिली भगत है, ये दोनों काम नहीं करेंगे। अभी शायद जब रोड 50 गो रोड 50 गो नाला पास है तो 27 गो का TS क्यों करवाए? सभी करवाना था ना, जब पूरा ढिंडोरा कर तक हमको इतना पैसा आ गया, इतना पैसा मंगा लिए हैं तो ला रहे हैं तो कर रहे हैं। सिर्फ उनका काम है सबको बहकाना, झोलगिरी करना, यही कर करके वो अपना टाइम पास करेंगे और अपना रोटी सेकेंगे, अपना मुनाफा करके यहाँ से निकल जाएंगे। DM साहब से भी अनुरोध है कि इस मामला को जांच कीजिए, क्योंकि नगर परिषद क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है और जो आरोप लगाया जा रहा है तो कम से कम उस दिन तो कैमरा चालू होगा ना भैया, उस दिन जो आप पे जो आरोप लगा रहा है, वार्ड पे जो आरोप लगा रहा है, कैमरा चालू, अगर कैमरा चालू नहीं हो तो समझिए और वो चोरी कर रहे हैं वहाँ पे। नगर परिषद में यदि कैमरा लगा के कैमरा का पूरा हैंडल करना वो कार्यपालक का काम, अगर बंद किए तो समझिए सीधा चोर है वो, सीधा चोर है। अगर चालू नहीं रखे तो सीधा चोर है, हम तो साफ कहते हैं। और DM साहब से भी मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ आए और इनका जांच करें, और उच्च स्तरीय पदाधिकारी से भी निवेदन होगा कि इस पे CBI जांच करवाएं। तो इस मामला का जांच होना चाहिए। DM साहब अगर सुन रहे हैं आप तो कम से कम नगर परिषद क्षेत्र में आइए और जनता से एक बार, अगर उप मुख्य पार्षद अगर झूठ बोल रहे हैं तो एक बार आइए और जनता से भी रिव्यू लीजिए कि क्या नगर परिषद क्षेत्र को बर्बाद किया जा रहा है या नहीं जा रहा। पूरे वर्ष का एक बार यहाँ पे जो है देखा जाए कि यहाँ पे क्या खर्च हुआ है, क्या अभी तक निकला है, क्या निकासी हुआ है, कितना पूर्व में पैसा था, कहाँ गया और क्या विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है। पिछले एक साल से ये चापाकल सब खराब है तो खराब ही आज तक ठीक करवाने का नाम नहीं लेता है। उस दिन जब बुलाए थे बैठक में तो अध्यक्ष महोदय मतलब फुल गर्म हो गए कि मेरे बिना आदेश के बिना कैसे इसको बुला लिए, क्यों क्यों नहीं बुलाएंगे भाई, हम नगर में रहते, आप नगर में थोड़े ना रहते हैं, आप यहाँ से 4 किलोमीटर दूर घर है आपका, आपको थोड़े ना कोई पूछने के लिए जाता है। एक बात बोले आपको, जिस तरह से मुख पार्षद जो है VIP गाड़ी में घूमते हैं, आप क्यों नहीं घूमते हैं? एक सवाल आपसे मेरा बहुत दिन से करने का मन था। तो हो सकता है कि जाके हम उनके लायक नहीं हैं, उन गाड़ी के लायक नहीं हैं। यही आप भी मिली भगत कीजिएगा तो घूम जाइएगा, ये तो होगा नहीं। और हम पैदल ही पसंद करेंगे इसलिए कि जनता हमको यहाँ जिताई है, 5600 वोट इसलिए हमको यहाँ आशीर्वाद मिला है, हमें जनता के बीच रहना पसंद है। गाड़ी में घूमने के लिए हमको थोड़े नहीं यहाँ जनता लाए हैं, कुछ लोग तो यही सोचते हैं ना। नहीं नहीं, अगर कुछ सोचते हैं तो हम उनका दोस्त हैं, वो हमारे साथी हैं, उनका सोचना हमारे अच्छा बुरा उनका अधिकार है, सोच सकते हैं, लेकिन हम उन लोगों के बीच ही रहेंगे हमेशा। जो नगर परिषद का विकास ही नहीं होगा तो जनता किस लिए जिताई है? इसके नाम पे जो है ना बोलते हैं कि जो है हम ये कर दिए हैं वो कर दिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नगर परिषद क्षेत्र में नहीं है। हम लोग
भी हर एक वार्ड जा करके रिपोर्टिंग करेंगे और दिखाएंगे नगर परिषद का विकास और 38 लाख रुपया जो महीना आता है वो जाता कहाँ है, हम लोग भी दिखाने का प्रयास करेंगे। हवेली खड़गपुर में ये एक ऐसा मार्केट है कि चारों साइड से 5 से 7 किलोमीटर महिलाएं लोग यहाँ पे आती है मार्केट करने के लिए। अगर उनको 4 से 5 घंटा इस मार्केट में लग जाए बाजार करने में तो उनको टॉयलेट का इतना परेशानी है कि वो अपना घर में ही करेंगे। अगर जगह जगह पे शौचालय बन जाए चौक चौराहे पे तो ये हमको जो है दिखना नहीं पड़ेगा, ये वादा करके उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। लगभग 4 महीना पहले ये जो है बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया लेकिन अभी तक नहीं बनाया गया है। पियाऊ का हर जगह बोला गया था कि पियाऊ हर वार्ड में बनाया जाएगा लेकिन पियाऊ अभी तक नहीं बनाया है। जो पब्लिकली काम है उनको ये करना नहीं है, जिनमें लूट खसोट है, जो वार्ड को जानकारी नहीं है बस वो चुपचाप काम करके वो निकल जा रहा है। अरे भैया हम भी तो देख रहे हैं कि हमारे जब हम आए थे तो हमारे नगर परिषद में इतना पैसा था, अब खाली कैसे हो गया भैया, जब काम ही नहीं हुआ है तो कहाँ जा रहा है पैसा। इसलिए उच्च स्तरीय किसी के टेबल के नीचे तो जा रहा है ना, एकदम ये जा रहा है। और उच्च स्तरीय पदाधिकारी से मेरा निवेदन होगा कि नगर परिषद हवेली खड़गपुर जाँच करवाया जाए और इनकी जाँच एकदम पूरी होनी चाहिए और दिनांक 9/3/2024 को हम सभी वार्ड पार्षद के द्वारा नगर परिषद हवेली खड़गपुर में अनशन करने जा रहे हैं। हमारी मांग 16 सूत्री का है और 16 सूत्री जब तक पूरा नहीं होगा हम अनशन को तोड़ेंगे नहीं। तो इस वीडियो को जितना लोग देख रहे हैं इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, क्योंकि नगर परिषद की बात है और नगर परिषद विकास की बात है और एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि उच्च स्तरीय अधिकारी से भी अनुरोध है एक बार जांच कराइए और नगर परिषद में क्या है नहीं है एक बार खुद से आप आके देखिए और संरक्षण कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।